इस वक्त हम पुलिस लाइन के बिल्कुल सामने हैं और ये कुछ बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा रिटन टेस्ट लो। पहले आप तस्वीर देखें पुलिस लाइन की, हम जाएंगे अरुण जी आपको तस्वीर दिखाएं पुलिस लाइन की आप तस्वीरें देख लें। ये बच्चे जो हैं यहाँ पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमारा रिटन टेस्ट लो। किस चीज़ का रिटन टेस्ट, ये हम जो जानकारी इन्होंने हमें दी है वो हम आपको बताएं। जेकेपी बॉर्डर बटालियन को कोई 2019 में फॉर्म निकला था, उसका अभी तक रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ है। इन लोगों ने फिजिकली सारी चीज़ें जो हैं वो पास कर ली थी, लेकिन अब 2019 के बाद ये लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाली चिब्बे। अच्छा, क्यों आपका रिटर्न टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है? वो पता नहीं, इनको जेकेपी वालों को ही पता होगा। पहले अपनी बटालियन के बारे में बताएं, आपने कब एग्ज़ाम दिया था या कब फॉर्म फिल किया था, उसके बाद कब फिजिकली सारी चीज़ें जो थी वो पास की थी? जी, 2019 में जो हमारा रिक्रूटमेंट निकली थी और 2020 मार्च में हमने जो है वो ये अपना फिजिकली अपना कंप्लीट किया था। उसके बाद थोड़े दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी थी हमारी। उसके बाद कश्मीर डिवीज़न की जो भर्ती थी वो पेंडिंग थी, फिजिकली पेंडिंग था। तो कश्मीर डिवीज़न वालों का अभी वो बीच में कोरोना आ गया, चलो वो गवर्नमेंट की भी कोई गलती नहीं है, कोई हमारी भी नहीं है। वो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो फिर कश्मीर डिवीज़न की अभी भर्ती हुई है, तो उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, पर हमारे रिटर्न का कोई अपडेट नहीं है, कोई कुछ नहीं। बस अगस्त में आया था एक टेंटेटिव डेट, अगस्त में हो जाएगा। सारे बच्चे जो अगस्त की मतलब उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, बट अभी तक कोई रिटर्न की कोई अपडेट नहीं है। अब ये सुनने में आ रहा है कि स्नोफॉल हो जाएगी कश्मीर डिवीज़न में, तो जब स्नोफॉल होगी तो हमारा कश्मीर की वजह से आप लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब ऐसे हम बोल रहे हैं कि स्नोफॉल जब हो जाएगी रिटर्न तो हमारा इकट्ठा ही होगा ना, कश्मीर वालों का और हमारा भी, तो लेकिन हो नहीं रहा। तो कौन से एरिया से आप लोग? मैं प्रगवाल से हूँ, अखनूर प्रगवाल से हूँ, ये भिलावर से हैं, काफी बच्चे बड़ी दूर दूर से आए हैं। नहीं, ज्यादा बॉर्डर की तरफ से? बॉर्डर बटालियन सर, ये बॉर्डर बटालियन है हमारी है, और ये सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं सारे बॉर्डर बटालियन के स्टूडेंट हैं, और सारे जम्मू डिवीजन से हर हर एक अलग अलग जगह से आए हैं यहाँ पे। वुमेन बटालियन बॉर्डर बटालियन, हाँ, 2 बटालियन का ये रिटर्न होना था जो नहीं हो रहा है। कितनी वैकेंसीज निकाली गई थी? फीस में थी 650 थी, 650 जी, 650 लड़कियों की, 650 लड़कों की, वुमेन और बॉयज की। अच्छा जी जी हाँ। तो कितने बच्चे जो हैं वो इसमें कंप्लीट करके आगे पहुँच रहे? तो मैक्सिमम इतना सो हम बता नहीं सकते, 5-6 हज़ार तो होंगे, इससे ज़्यादा आधे होंगे। अच्छा, 5-6 हज़ार जो हैं फिजिकल टेस्ट सारी चीज़ें जो कंप्लीट कर चुके हैं सर। जो ये मतलब कि जो जिन बच्चों का फिजिकल कंप्लीट हुआ है वो मतलब कि कुछ कश्मीर डिवीज़न से हैं, कुछ जम्मू डिवीज़न से हैं, तो नियर अबाउट एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर 20 हज़ार तक तो होगा अप्रॉक्सीमेट, इसके ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो ये रिक्रूटमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से निकाली गई थी, जब राजनाथ सिंह कश्मीर वैली में आए थे तो उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया था ताकि जो फार फ्लंग एरिया बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको, क्योंकि फायरिंग की वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि जो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ जम्मू डिवीज़न से थे, 5 कश्मीर डिवीज़न से थे, तो उनके एक जॉब अपॉर्चुनिटी दी थी। तो अभी तक जो प्रोसेस है वो बड़ा स्लो चल रहा है, अभी मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो जिनके डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट है वो उनको ऑलमोस्ट 3 या 4 बार मौका दे दिया गया। अगर मतलब कि प्रोसेस इतना स्लो चलेगा तो कुछ बंदे जो बंदे वेट कर रहे हैं वो ओवर एज हो जाएंगे, वो कैसे मतलब कि नेशनल जो रिक्रूटमेंट है कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? एज फैक्टर क्या रखा है सर इसमें? 18 से 28 रखा गया है। 28 क्रॉस करके हैं कुछ लोग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं सर, 2.5-3 सालों के अभी तो कर रहे हैं ना, जिनके आधे तो ऐसे थे जिनकी तब भी 28 होने वाली थी, 27 था, तो उनका तो अभी होगी ना, उनकी तो उम्र निकली जा रही है ना। गर्ल्स की एज फैक्टर क्या रखा था? यही 28 ही था। आप कहाँ से? मैं बिलावर से हूँ, बिलावर से भी पीछे हूँ, पहाड़ी एरिया। वहाँ भी बॉर्डर है? हाँ, बॉर्डर एरिया में पड़ता है वो। अच्छा, हाँ, मतलब कितनी एज थी? 28 आपकी भी? 28 सबकी 28 से। अभी न्यू रिक्रूटमेंट भी आनी थी पुलिस की, इसी वजह से वो भी नहीं आ रही है,
उनकी भी एजेंसी। इस बारे में आपने ऊपर बात की है किसी से? हमने अभी तक किसी से बात नहीं की, अभी तक तो हम सिर्फ वेट कर रहे थे इसी का। आप यहाँ प्रदर्शन करने आ गए? जी जी, हम नहीं सर, हम पीसफुली सिर्फ बताने आए हैं, ऊपर तक अपनी बात पहुँचाने आए हैं आपके माध्यम से कि हमारी बात पहुँचाई जाए, कि हम इस बड़े परेशान हैं सर, 3 साल से 2.5 साल हो गए हमारे तक, अभी तक रिटर्न। पुलिस लाइन यहाँ बताया किसी? जी जी, अभी तक सर हमें किसी को नहीं बताया, हम सीधा जहाँ खुद खड़े हैं। जी जी सर, क्योंकि जब लद्दाख डिवीजन में फिजिकल चल रहा था अभी, तो वहाँ पे जो बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने बोला था कि हम एक टेंटेटिव डेट अनाउंस की थी उन्होंने, अगस्त को लास्ट वीक है, जो वहाँ पे हम फिजिकल ले लेंगे। हम भी मतलब कि श्योर थे कि हो सकता है जो रिटर्न है उसको प्रोसेस शुरू हो जाए, लेकिन अब तो अगस्त सितंबर अक्टूबर भी खत्म होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ हमें कुछ भी अच्छा अप्रोप्रिएट आंसर मतलब कि वो मिल नहीं रहा, जिससे हम अश्योर अपने आप को कर सके जो रिटर्न इसी साल लिया जा सके। कहाँ कहाँ से आप? कहाँ से? हम खोर से हैं, पलाव वाला सेक्टर से। आप? सर डिस्ट्रिक्ट हुआ से। आप? पारसपुरा से सर। आप? अखनूर। लखनऊ से? अखनूर से। मैंने कहा लखनऊ से। अच्छा, आप? अरनिया सेक्टर से। अरनिया सेक्टर। और कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? डिफरेंट जगह से, कोई सांबा से, कोई सब बॉर्डर बटालियन ही से, सब बॉर्डर वाले से, पर दूर दूर से सर, मतलब काफी मैक्सिमम सिटी ऐसे कोई भी नहीं है सर, बॉर्डर से ही है। रिक्रूटमेंट हो रही है बॉर्डर के लिए, 0 से 10 किलोमीटर स्पेशल रिक्रूटमेंट, इसमें सिर्फ बॉर्डर के ही है जो, क्योंकि स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाली थी, क्योंकि बॉर्डर में आए दिन शेलिंग होती रहती है, तो बच्चे पढ़ने में थोड़े कम पढ़ाई करते हैं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल रिक्रूटमेंट दी थी बॉर्डर बटालियन बॉर्डर के लिए। लेकिन अभी तक 3 साल हो गए, कोई रिटर्न ही हो रहा है, अभी बच्चे अवरेज हो रहे हैं, क्या फ़ायदा इतना अवर, एक तो स्पेशल रिक्रूटमेंट निकालते हैं, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, ये क्या फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होगी 3 साल में, क्या खराब काम करेंगे जी? हम यही निवेदन है कि जल्द से जल्द रिटर्न करवाया जाए, ताकि बच्चों का फ्यूचर आगे सोचे, जो होते हैं सिलेक्शन उनकी जीत की होती है वो भी अच्छा, जो नहीं होती है फिर आगे भी सोचता है बच्चा क्या करना है क्या नहीं, अगर ये नहीं होगा फिर आगे क्या करेगा बच्चा, कोई काम करेगा कोई कुछ करेगा आगे भी से बच्चा देखेगा, एक रिटर्न नहीं करवाएंगे फिर कैसे, ऐसे डिले करते जा रहे हैं, अगला साल फिर दोबारा लग जाएगा, अभी आगे स्नोफॉल हो जाएगी, फिर फरवरी मार्च तक तो हो नहीं पाएगा रिटर्न, फिर अप्रैल मई में देखेंगे, फिर अगला साल ऐसे निकल जाएगा दोबारा। यही निवेदन है कि जल्द से जल्द रिटर्न करवाया जाए, एक एक मंथ करके ना आगे कर रहे हैं, एक एक मंथ करके बस ऐसे 8 महीने निकलेंगे। इनकी एक छोटी सी डिमांड है कि इनका रिटर्न टेस्ट लिया जाए, इसलिए हमने कैप्शन में भी लिखा है कि ये कह रहे हैं कि हमारा रिटर्न टेस्ट लो, और अगर इतना लंबा इंतज़ार इन लोगों से करवाया जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानियां, कितनी मुसीबतें इनको झेलनी पड़ेंगी, इस आश्रय बैठे हुए हैं कि हमारी नौकरी लगेगी, पक्का लगेगी, 2-2.5 साल इंतज़ार करते हो गए, ओवर एज भी हो रहे हैं, तो फिर कब लगेगी, तो एक रिटर्न टेस्ट तो हमें लगता है लेना ही चाहिए। बाकी अब देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त, नमस्कार।